गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। कल हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ा, तो मीन्स इसमें किस किस में यूज होता है। एक तो साल्ट को प्योरीफिकेशन करने में, ठीक है, जो साल्ट प्योरीफिकेशन है उसको करने में यूज किया जाता है, तो प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। दूसरा है जो अलम होती है, मीन्स जो इम्प्योर सैंपल में अगर दिया गया हो। अलम मीन्स फिटकरी, ठीक है, अलम मीन्स क्या होती है, फिटकरी। अगर फिटकरी का इम्प्योर सैंपल को प्योरीफाई करने में, तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। अगला है प्योरीफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर, मीन्स जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है, जो हम पीने के लिए ग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं, सरफेस वाटर यूज करते हैं, वो पीने के लिए पानी यूज करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको हम कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो काफ़ी जो तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो है प्योरीफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर कैन बी डन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या होते हैं, पहला होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। दूसरा क्या होता है, लोडिंग। तीसरा क्या होता है, फिल्ट्रेशन। और फोर्थ क्या होता है, क्लोरीनेशन। सबसे पहले देखो सेडिमेंटेशन, आपने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन क्या होता है, कि सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जो इनसोल्यूबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन। जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर उनको हम जैसे फिल्टर करके या फिर प्योर करके उनको अलग करते हैं, तो ठीक है, वैसे ही क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पानी अगर नदी से आ रहा है या फिर कहाँ से भी आ रहा है, तो पंप के थ्रू क्या करेगा, सेडिमेशन टैंक में पानी डाला जाएगा। अलग अलग टैंक बने हुए मिलते हैं, जैसे इस तरह से पहले सेडिमेंटेशन टैंक, फिर लोडिंग टैंक, फिर क्या हो गया, फिल्ट्रेशन टैंक, और फिर क्या होता है आपका, क्लोरीनेशन टैंक। इस तरह से टैंक बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पानी है वो पंप के थ्रू, जैसे मान लो हम नदी से पानी ले रहे हैं या फिर कहीं से भी, तो इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब इसमें क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं मीन्स वो आगे, जैसे बॉटम में जैसे ही नीचे बैठेंगी और फिर आगे वाले टैंक के अंदर रिमूव कर दी जाएंगी। फिर अगला टैंक क्या करेगा, यहाँ पे जो लोडिंग करेगा, लोडिंग का मतलब इसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, जैसे अलम वगैरह फिटकरी है वो डाल दी जाती है प्योरीफाई करने के लिए। फिर यहाँ से पानी जो है किस में जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में, इसमें पानी फिल्टर होगा, ठीक है, जो इम्प्योरिटी, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, और उसके बाद में क्लोरीनेशन टैंक में जाता है। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होती है, इसमें क्लोरीन डाल दी जाती है ताकि जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो खत्म हो जाएं, मर जाएं, और फिर पानी जो है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भेजा जाता है। तो पहले देखो सेडिमेंटेशन, द रिवर वाटर इज पंप्ड इनटू सीरीज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। पहले मीन्स जो नदी का पानी है पंप के द्वारा किस में भेजा जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठेंगे, दी हैवी पार्टिकल ऑफ क्ले एंड अदर इम्प्योरिटीज, मीन्स चाहे वो क्ले पार्टिकल हो या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज हो, सेटल एट दी बॉटम, वो नीचे बॉटम में रह जाएंगी, सेडिमेंटेशन टैंक में रह जाएंगी, और फिर पानी किस में चला जाएगा, लोडिंग टैंक में। उसके बाद में है लोडिंग इन नेक्स्ट चैम्बर, मीन्स नेक्स्ट चैम्बर में लोडिंग में गया, वाटर इज ट्रीटेड विद केमिकल्स। पानी किसके साथ ट्रीट करेगा, केमिकल्स के साथ, मीन्स अलम वगैरह डाल के रख दी जाती है इसमें, ठीक है। तो अलम एंड लाइम, लाइम मीन्स होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम, लाइम वाटर किसको होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो अलम एंड लाइम टू गेट फर्दर सेटलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, और इसमें मीन्स जो इम्प्योरिटीज हैं और जो कुछ भी बचगी, जो हल्की इम्प्योरिटीज, क्योंकि उसमें तो हैवी इम्प्योरिटीज बैठेंगी, तो इनके डालने से क्या होंगी, जो हल्की इम्प्योरिटीज है वो भी नीचे सेटल हो जाएंगी। उसके बाद में किस में जाएगा, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में पानी फिल्टर होगा, ठीक है, और जो है पानी पूरी तरह से फिल्टर होगा और इम्प्योरिटीज हट जाएंगी। तो देन वाटर इज सेंड टू फिल्ट्रेशन टैंक, तब पानी किस में भेजा गया, फिल्ट्रेशन टैंक में। सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर कम्प्लीटली, मीन्स इसमें जो मिट्टी है और कुछ ग्रेवल पार्टिकल हैं वो भी क्या होते हैं, पूरी तरह से जो है फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद में है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, मीन्स जो क्लोरीन गैस डाल दी जाती है ताकि जो बैक्टीरिया हैं या फिर जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन गैस डाल दी जाती है। तो दिस प्रोसेस किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म्स एंड प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग, और उसके बाद में जो अपना पानी है वो पीने के लिए योग्य हो जाता है। उसके बाद में है टाइप ऑफ चेंजेस दैट ओकर्स अराउंड अस, मीन्स हमारे चारों तरफ किस प्रकार के, दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल मीन्स जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बने।
केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नया सबस्टांस बने, न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, ठीक है, इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनेगा। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल, और केमिकल चेंज क्या होता है, इन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब क्या होता है, इसको हम जैसे मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फिर इंटर कन्वर्ज कर सकते हैं, भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से गैस में चेंज किया, लेकिन ये क्या होता है, इन रिवर्सिबल, मीन्स इसको एक बार अगर हमने बना दिया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। ये इसमें कोई भी मीन्स करना है, कुछ मास में चेंज आएगा, इसमें मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि कुछ गैस पार्टिकल्स भी निकलेंगे। तो फिजिकल चेंज देखो, इट इज ए चेंज इन विच न्यू सबस्टांस इज नो न्यू सॉरी नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड। तो एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बने। यहाँ पे केमिकल चेंज बताना हो तो इट इज ए चेंज इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, मास डज नॉट चेंज, तो इसमें मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर मान लो आपने 2 ग्राम आइस ली है तो वो 2 ग्राम ही रहेगी, पानी के अंदर चेंज होगी तो उसका मास चेंज नहीं होगा। एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब और नोर रिलीज, न तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी और न ही रिलीज होगी। इसमें दोनों हो सकते हैं, एब्जॉर्ब भी की जा सकते हैं, रिलीज भी और नहीं भी हो सकते। ये क्या हो सकता है, रिवर्सिबल, मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघल के किस में चेंज हो सकती है, वाटर में चेंज हो सकते हैं, मीन्स लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। तो इंटर कन्वर्जन, जितनी सॉलिड से गैस में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना, ये सारे क्या हैं, फिजिकल चेंज है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। आइस आप बोलोगे कि नया है, नहीं, क्योंकि ये भी तो आइस का भी तो क्या है, पानी से ही तो बना हुआ है। इसका भी तो फॉर्मूला H2O है और वाटर का भी फॉर्मूला H2O, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, भाई अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है तो ये वेपर्स में चेंज हो जाता है, और वेपर्स को ठंडा करते हैं तो फिर ये अमोनियम क्लोराइड में रिवर्सिबल भी हो गया, फिर वेपर से ये सॉलिड में बदल जाता है, सॉलिड से गैस में। और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है, आयरन को जंग लगता है तो ये क्या है आपका, केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार जंग लग गया तो फिर दोबारा से मीन्स उसको ठीक वैसे ही हम, जैसे आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और जंग लगे हुए फॉर्मूला Fe3O4 इंटू में XH2O, ठीक है, इंटू में XH2O, तो एक नया पदार्थ बन गया। ये पहले Fe था और ये किस में बदल गया, Fe3O4 इंटू में XH2O में। ऐसे ही जैसे मान लो हम कैंडल जला रहे हैं, मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। उसको दोबारा से आप, अगर वो जल गई तो आपको ऐश मिलती है, राख मिलती है, उसको दोबारा से आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो इनरिवर्सिबल चेंज है। तो फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता और रिवर्सिबल हो, और केमिकल चेंज ऐसा जिसमें नया सबस्टांस बनता है और जिसको हम इनरिवर्सिबल हो, मीन्स दोबारा से नहीं चेंज कर सकते।